डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम कॉस्ट इन इंडिया, आज हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो डब्ल्यूपीसी आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग जो है वो आपका मटेरियल है। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूपीसी का जो है कि फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वुड प्लास्टिक कंपोजिट, ये आपका फुल फॉर्म आ गया डब्ल्यूपीसी का। अब आजकल क्या हो रहा है, डब्ल्यूपीसी का हम चौखट दे रहे हैं, दरवाजा दे रहे हैं, खिड़की का फ्रेम दे रहे हैं। तो अब इसका जो है हम वो आज एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस जान लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये आता है, जिससे आजकल सब लोग परेशान है, कि लकड़ी में आपके दीमक लग जाता है। तो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है वो टर्माइट फ्री होता है, मतलब इसमें दीमक टर्माइट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें वुड और प्लास्टिक दोनों है। सेकेंड आपका एडवांटेज ये आता है कि ये मॉइस्चर फ्री है, मतलब इसमें नमी का कोई असर नहीं होगा। थर्ड आपका आता है इंस्टॉलेशन, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही फास्ट है। नेक्स्ट आपका जो है वो है हाई स्ट्रेंथ, मतलब इसकी मजबूती भी बहुत अच्छी है। पहले ऐसा होता था कि ये मजबूत नहीं आता था, बट अब जो आ रहा है डब्ल्यूपीसी का फ्रेम चौखट, वो बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम पता करते हैं, उसके बाद हम रेट पर आएंगे। तो इसके जो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो वुड का टेक्सचर होता है, नॉट टेक्सचर वुड अपीयर, मतलब इसमें वुड का टेक्सचर नहीं दिखता है। नेक्स्ट आपका है कि बहुत जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये वहां पर वर्क नहीं करता, हाई टेम्परेचर में ये वर्क नहीं करता, कांट बियर, हाई टेम्परेचर कांट बियर। नेक्स्ट आपका ये है कि बहुत ही ये सिंपल होता है, इसका जो भी आपका है सारी चीजें, मतलब जो फ्रेम होता है वो ज्यादा डिजाइनर नहीं बना सकते, तो ये एक सिंपल भी होता है, तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट जो है वो हम कवर करेंगे कि इसका रेट और साइज क्या होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके साइज पे। तो इसका साइज जो है वो होता है, सबसे बेसिक साइज जो होता है वो होता है 3 इंच बाई 2 इंच, फिर आपका आता है 4 इंच बाई 2.5 इंच, नेक्स्ट आपका आता है 5 इंच बाई 2.5 इंच, और जब हम डबल पताम का, मतलब दो पल्ले वाला फ्रेम लगाते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं 6 इंच बाई 2.5 इंच। तो ये हो गए आपके साइजेस, ये और भी साइजेस में अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग ब्रांड में। अब नेक्स्ट जो है वो हम मेजर डिस्कस करते हैं रेट, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो रेट पे आके ही रुक जाती हैं, कोई भी हम मटेरियल ऑप्ट करते हैं। तो रेट जो है वो इसका रनिंग फिट के हिसाब से है, जबकि बाकी चौखट का होता है। तो इसका जो रेट है वो है 110 रुपए से, मार्केट में जो अवेलेबल है वो 175 रुपए तक। और जब आप GST के साथ जाते हैं तो विथ GST वाला भी हम रेट लिख देते हैं यहाँ पर, आपका विद GST आपका जो रेट है वो 130 रुपए से लेकर जो है कि 210 रुपए तक आता है। तो ये आपका रेट हो गया WPC का। तो ये हमने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, आप देख लीजिए। अब हम अपना कंक्लूजन देते हैं कि आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो बात ये है कि आपको WPC लगा सकते हैं, जब आपका बजट बहुत ज्यादा आपको नहीं है तो आप WPC जो डोर फ्रेम है उसको ऑप्ट करें, ताकि जो आपका घर है वो मजबूत रहे। अब हम बताते हैं कि ये फिक्स कैसे होता है, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था इजी इंस्टॉलेशन, वो होता कैसे ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपके घर में दीवार और कॉलम बन गया, ठीक है, ये आपका ये दीवार बना हुआ है, मान लीजिए ये आपका पूरा दीवार है, ठीक है। ऊपर भी हमने मान लीजिए लिंटल, जो लिंटल बीम होती है वो भी ढाल दी है पूरी। अब क्या करना है, अब हम WPC का जो है वो फ्रेम लाएंगे यहाँ पर, उसको रनिंग फिट में ऐसे ये आपको हम फिक्स कर देंगे। अब यहाँ खड़ा करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको
यहाँ पर ये स्क्रू से हम टाइट कर देंगे और ये बहुत ही अच्छे से स्क्रू से आपका टाइट हो जाता है फ्रेम। आप ऐसे करके इसको फिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल अपनी जगह फिक्स रहता है और आपको बड़ा आसानी से, मतलब आपकी दीवार बन गई है, लिंटर बन चुका है, कॉलम बन चुका है, उसके बाद WPC फ्रेम उसके बाद भी आपका इंस्टॉल हो सकता है, जो चीज हम लकड़ी में नहीं कर सकते हैं। तो ऑल द ओवर मैंने यह कंक्लूजन है कि जो WPC वुड प्लास्टिक कंपोजिट डोर फ्रेम है उसका कॉस्ट आपका 110 से 170 आ रहा है, तो GST 130 से 210, और आप इसको जरूर ऑप्ट करें। नेक्स्ट वीडियो हम किस मटेरियल पे बनाएं ये कमेंट जरूर करें।